आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा हमारे फर्स्ट वीडियो में, जो कि फर्स्ट पार्ट था हमारा, जिसमें हमने ई रिक्शा की फुल जानकारी दी थी और उसमें कुछ हमने अपने कस्टमर्स के रिव्यू भी दिखाए थे। अब हम लोग अपने सेकेंड पार्ट में दिखाते हैं यार, ई जो हमारी यार एक्टिवा है ना, जो बैटरी में आती है, उसके बारे में लोग जानकारी लेते हैं, जिसके बारे में हम दिलशाद सर को एक बार फिर से बुलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, जो कि हमें इसकी फुल नॉलेज देंगे और भी हम लोग कुछ बातें करेंगे। इसीलिए एंड तक वीडियो में बने रहो और देखो क्या है वीडियो में इंटरेस्टेड। तो वेलकम करता हूं सर का। सर कैसे हो? सर कैसे हैं सर? फर्स्ट पार्ट में सर बहुत मजा आया वीडियो का। तो उम्मीद करूंगा सर आप सेकंड वीडियो में भी हमारा बहुत अच्छा साथ देंगे। सर हम इसके बाद, ये सर हमारा जो स्कूटर है ये बैटरी आरई ब्रांड है। ओके सर। जो कि सर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ओके सर। इसमें सर जो रॉ मटेरियल कोई भी चाइना का प्रोडक्ट हम लोग यूज करते ही नहीं है। ठीक है सर। क्योंकि सिर्फ हम ही आगे बढ़े, हमारा देश भी आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात सर। हम हेल्थ वेल्थ और कंट्री के ऊपर भी काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं। कंपनी का नाम सर बैटरी आ रही है। बैटरी आ रही है। हाँ, हमारे सर तीन मॉडल आते हैं। आज हम स्कूटर की बात करेंगे, बेसिक हमारे तीन मॉडल आते हैं। जी सर। एक है हमारा सर लम मॉडल। ओके। ये जो हमारे पास अभी अवेलेबल है ये वन मॉडल। लम मॉडल जो हमारा अभी स्टॉक आउट है जी। उसके बाद सर ये सारे लो ईवी में है। ओके। हमारे पास अभी हाई स्पीड स्कूटर भी हमने अपना लॉन्च किया हुआ है। ठीक है जी। जिस स्कूटर का नाम है सर स्टोरी। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ओके। कंपनी का नाम है सर बैटरी और ये वन मॉडल हमारा। इसकी में हमारे तीन मॉडल है, वो हाई स्पीड में मॉडल हमारा आता है। ठीक है। स्टोरी मॉडल है इंक्लूडिंग आरसी इंश्योरेंस है। ठीक है ठीक है। अभी हमारे पास जो मॉडल अवेलेबल है हम इसकी बात करते हैं। इसके सर फीचर है 10 इंची व्हील में आते हैं सर, आप देख सकते हैं सर 10 इंची व्हील में है। ओके ठीक है। और आगे में एक चीज और चीज यार काफी अच्छी चीज मुझे लगी, इसमें जो है हमें अलॉय व्हील मिलते हैं, अलॉय व्हील जो कि बहुत ही कम चांसेस है कि हमें एक्टिवा वगैरह में मिलते हैं। सर आगे बताइए। ये जो सर हमारा स्कूटर है जी, मॉडल का नाम है सर वन, आप देख सकते हैं इसका जो सर लुक है बहुत ही प्यारा और यूनिक लुक है इसका, बहुत अच्छा आता है। मैं थोड़ा सा ऐसे फ्रेम करके दिखा देता हूँ आपको, चेक कर सकते हैं आप लोग। इसका लुक सर बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसमें जो सर बंदा बैठता है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल बैठता है। कंफर्टेबल होता क्या, एक्टिव हमारा जो हमारे लेग है ना सर, हम पीछे करके बैठते हैं। हाँ सर, इसमें हम अपने लेग को आराम से स्ट्रेट करके भी हम इसे स्कूटर का जो है राइड का मजा ले सकते हैं। ओके। उसके बाद जो सर इसके व्हील है 10 इंच व्हील में है, 10 नंबर आगे और पीछे दोनों ही डिस्क ब्रेक है और दोनों के दोनों टायर सर सीएड कंपनी के हैं और दोनों ही ट्यूबलेस है। एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करने ली, जो कि मैं खुद यार पर्सनली हाईलाइट करूंगा इस चीज को, कि हमें फ्रंट और बैक में दोनों में डिस्क मिलती है, जो कि बहुत ही कम चांसेस होता है कि हमें डिस्क दोनों जगह पे मिलती है। ज्यादा करके दोनों तरफ डिस्क कम मिलती है, या फिर स्पोर्ट्स बाइक हो या फिर यार स्पोर्ट्स बाइक ही हो, क्योंकि एक्टिवा में ज्यादातर के कभी भी हमें दोनों तरफ डिस्क नहीं मिलती। नहीं का मतलब नहीं मिलती है। अपने स्कूटर को अपने रिमोट से, यानी कि रिमोट से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास है, हमने यहाँ पे 1 2 हमारा स्कूटर जो है स्टार्ट, आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गया सर हमारा स्कूटर यहाँ पे स्टार्ट है। ठीक है जी। हमारे पास है। ओके। यहाँ से हम इसे अपना नाम क्या लॉक कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। और अलार्म कहीं पे हमने पार्किंग में लगा हुआ है स्कूटर, तो हमें नहीं पता लगता था कि हमारा स्कूटर कहाँ पे है जी, तो हम इसमें अलार्म भी देख सकते हैं। इसको हम रिमोट से स्टार्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं, जो कि सिर्फ इसके रिमोट का बेनिफिट है। हम लोग बात करते हैं इसके मीटर की, डिस्प्ले की, कि इसमें हमें क्या फीचर मिलता है। सर हमें डिस्प्ले के बारे में बताइए। ये जो सर मीटर है जी सर, टोटल स्मार्ट कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेडी का कॉलम आ रहा है। रेडी, अब हमारा स्कूटर जो रेडी, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको ऑन किया जी। जब तक रेडी का कॉलम नहीं आता हम स्कूटर को चला नहीं सकते हैं। ओके ठीक है सर। और इसमें थर्ड मोड है, फर्स्ट मोड पे जो हमें स्पीड मिलता है वो मिलता है 25 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर को। हाँ जी। व्हील हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है। ओके। 25 किलोमीटर पर आवर का हमें यहाँ पे जो है स्पीड मिलता है। ओके। जैसे भी हम सर सेकंड गियर जाते हैं तो यहाँ पे गियर का भी हमारा ऑप्शन आया, देखो यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन आ गया जी। इसको जो हम स्टार्ट करते हैं 38 की स्पीड है। ओके, सेकंड में। और जब इसको थर्ड पे लेके जाते हैं हमारा 45 का स्पीड हमें मिलता है थर्ड गियर में। ओके, लास्ट जो है सर, लास्ट जो है। ओके ठीक है। आगे और पीछे दोनों ही डिस्क ब्रेक है। ठीक है। हॉर्न, बैक गियर भी है, कई बार बच्चे होते हैं या हमारी वाइफ है तो वो ना खड्डे में कई बार फंस जाते हैं इसमें बैक गियर। हाँ सर, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाना चाहूंगा।
आप देख सकते हैं ये हमारा स्कूटर है जी। हमने बटन दबा, ये स्कूटर हमारा पीछे वर्क कर रहा है। ओके, बैक गियर। हाँ जी यार, बैक गियर आप देख सकते हैं, हमने बटन दबा जी, ये हमारा पीछे को वर्क कर रहा है। और पीछे वर्क कर में इसका स्पीड ज्यादा तेज नहीं होगा। हाँ जी, क्यों आगे में हमारा जो स्पीड मिलेगा वो पीछे में स्पीड नहीं मिलेगा सर, स्टैंड लगाना जी। बिल्कुल यार, तो ये चीज काफी अच्छी चीज लगी यार, ये भी जो ये लाइट है, ये लाइट ही एलईडी लाइट है। एलईडी लाइट जी, जो कि डीआर लाइट हम इसे बोलते हैं जी जी, ठीक है। उसके बाद सर जो इसका स्पेस आप इधर देख सकते हैं, डिग्गी में जो स्पेस है, डिग्गी की स्पेस देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पूरी डिग्गी हमारी फुल है, इसमें हमारे बुक का बुक्स भी है, चार्जर है, टिफिन वगैरह सब कुछ भर सकते हैं। और इसके नीचे, इसके नीचे हमारी बैटरी है, जो कि उपाया और अकीरा की हम लोग बैटरी यूज कर रहे हैं, 48 वोल्ट 26 एएच में हम लोग बैटरी यूज कर रहे हैं। बैटरी पे भी हमारा डिस्प्ले यार देख सकते हैं, हमें पहले ही पता होगा कि हमने कितने किलोमीटर स्कूटर चलाना है। बैटरी में भी हमारे पास डिस्प्ले है, हमें पहले ही पता लग जाता है कितने किलोमीटर हमारे स्कूटर चलेगा। ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है यार, जो देखा अभी तक हमें वो तो काफी अच्छी है। बाकी और देखते हैं क्या है इसमें, करियो बात देना। ये हमारा स्कूटर सर अब लॉक हो गया। उसके बाद जो सर हमारा फुटरेस्ट है, कभी आपने देखा सर पुश स्टार्ट बटन पे गाड़ी हमारे कार वगैरह चलते हैं जी? अब हमारा जो फुटरेस्ट है ये पुश स्टार्ट है, इसको हमने खींचना नहीं, इसको हम जितना मर्जी खींचेंगे तो ये खुलेगा नहीं, ओपन नहीं होगा, इसको हमने पुश करना है। इसको हम प्यार से ऐसे बंद करें, लॉक हो गया, इसको हम जितना मर्जी जोर से खींच ले ये खुलने वाला नहीं है, नहीं खुलेगा, ठीक है। ये हमारा पुश स्टार्ट पे ही जो फुटरेस्ट है ये ओपन होता है। आप पीछे देख सकते हैं डिस्क ब्रेक है, आगे और पीछे का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा प्यारा और यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो कि है डिस्क ब्रेक का। उसके बाद सर कई बार हम लॉन्ग रूट पे जाते हैं, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर हम चलते हैं, रनिंग पे होते हैं, तो हमारा फोन भी कई बार डिस्चार्ज हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे सर सबसे अच्छा चीज दिया गया है, आप यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट आपके पास, आप यहाँ पे मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं, साथ में हम यहाँ पे कोई पानी की बोतल या अपना फोन हम इसमें रख सकते हैं लॉन्ग रूट पे, ताकि हमें कभी कोई इशू ना आए। फुटरेस्ट भी आप इधर का भी देख सकते हैं, इधर का भी पुश स्टार्ट है, ये हमारा साइड स्टैंड है जो कि बहुत ही अच्छा किफायती इंडिकेटर जो है, ये भी हमें एलईडी में ही मिलते हैं। आप देख सकते हैं इंडिकेटर भी हमारा जो है वो एलईडी में ही है, बैक लाइट ये भी हमारा एलईडी में ही है। बहुत ही अच्छा और प्यारा ये कॉन्सेप्ट है हमारा। बैटरी ब्रांड है हमारा, स्कूटर का नाम है वन, इसमें हमारे पास 3 मॉडल है। और इसमें प्लस पॉइंट है कि सर लो ईवी में है ना, किसी भी बंदे के पास फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस नहीं है। इसमें भी हमने ICICI बैंक से और कोटक महिंद्रा बैंक से टाइप किया हुआ है, जो कि हमें 24 महीने से लेकर 36 महीने की EMI प्रोवाइड करते हैं सर। 24 अब हम मिनिमम से मिनिमम 10,000 रुपया डाउन पेमेंट ले आके 24 से 36 महीने की EMI पे हम इसको ले सकते हैं। आपने सारे फीचर तो बता दिए, फीचर तो सारे प्रीमियम है, मतलब कि थोड़े पैसों में ज्यादा चीज। अब मैं सर आपसे मेन पॉइंट पूछना चाहूंगा कि इसका EMI का क्या शेड्यूल है? इसमें सर ये लो ईवी है, आप किसी भी ब्रांड में जाएंगे वो ज्यादातर माल जो यूज करते हैं वो चाइनीज का यूज करते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट ही यूज करते हैं जी, बिल्कुल। तो उस पे क्या हमारे जो गवर्नमेंट है, जो हमारे बैंक है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। हमारा जो सर प्रोडक्ट है ये ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के साथ टाइप में है। इस टाइप का मतलब है सर कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये पहले हमें जो सर्टिफाइड करके था कि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो मेड इन इंडिया है, तभी हमारा ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के साथ फाइनेंस है जी। हमारे पास जो बैंक है वो 2 है और NBFC हमारे 15 NBFC है जो कि लिस्टेड है, जिससे हम इसको फाइनेंस करते हैं। बैंक में जो हम आपको EMI दे सकते हैं सर, हम आपको 24 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 36 महीने की EMI प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि सर आपने बताया मुझे इसके फीचर्स वगैरह देखने के बाद अगर मैं अपना खुद का रेफरेंस दूं तो बहुत ही तगड़ी चीज है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही दमदार चीज है, कम पैसों में ज्यादा फीचर्स देने वाला। ये फर्स्ट ऐसी एक्टिव है जिसमें कि हमें ड्यूअल डिस्क मिलती है, फिर एक सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिलता है, उसके बाद इतने अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं और भी फर्स्ट 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 मैं कह सकता हूँ फर्स्ट ही है। तो सर इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसके EMI का सिस्टम क्या है। सर मैं आपको सर EMI का बताना चाहता हूँ। हमारा जो सर प्रोडक्ट है जी ये बेसिक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जी सर। आप मार्केट में देखेंगे बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे स्कूटर है, बहुत है, लेकिन वो सारे के सारे सर जो स्कूटर है जो प्रोडक्ट है वो है सारे के सारे चाइनीज बेस्ड। ओके, तो उनमें क्या है बैंक जो इन्वॉल्व नहीं होता, बैंक उन्हें फाइनेंस नहीं करता जी, ठीक है। वो NBFC के साथ टाई अप कर लेते, भी कुछ कुछ NBFC जैसे जो बड़े प्लेयर है TNR वगैरह वो NBFC के साथ उनका टाई अप है, लेकिन जो प्रॉपर बैंक के साथ उनका टाई अप नहीं है, क्योंकि वो 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं है। ओके, हमारा जो सर कंपनी है बैटरी आ रही, और जो ये प्रोडक्ट है हमारे पास 3 प्रोडक्ट है बेसिक जो यूनिक है,
लोई वी में हमारे पास दो प्रोडक्ट है जिसका नाम है वन तेल लाउड। ओके, तो हमारा सर लोई वी में प्रोडक्ट है, ये बैटरी आ रही प्लस लव मॉडल। इसमें सर हमारे पास 24 महीने से लेके 36 महीने की ईएमआई की फैसिलिटी है। 24 से 36 मतलब दो साल? जी हाँ जी हाँ जी सर, दो साल से लेके 3 साल की हम लोग ईएमआई प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, जो कि इसका मिनिमम डाउन पेमेंट 7,000, 8,000, 10,000 से हम लोग शुरू कर सकते हैं, यानी कि 10,000 रुपए देके हम लोग इसको इजी मनी इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। हाँ सर, मैं पूछना चाहूंगा इसके साथ इसकी जो टोटल अमाउंट हो क्या है सर इसका? सर मैं एक चीज और, ये जो फाइनेंस है ये हमारे सर 15 एनबीएफसी है जिसके साथ हमारा टाइप है, प्लस हमारे पास दो बैंक है जो कि बहुत ही बड़े बैंक है, आईसीआईसी और कोटक महिंद्रा बैंक है। हमारे पास दो बैंकों का फाइनेंस है लो ईवी में। मैं फिर से कह रहा हूँ सर, लो ईवी में किसी भी बैंक का फाइनेंस किसी भी टू व्हीलर के साथ नहीं है। और हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बैंक के साथ लो ईवी में 100% मेड इन इंडिया के साथ फाइनेंस है। 10,000 रुपए देके हम लोग इसको फाइनेंस करा सकते हैं। इसका हम सर ऑन रोड की अगर हम बात करें, ये हमारा जो स्कूटर है ये 70,000 के राउंड में स्टार्ट हो जाता है। 70,000 से लेके हम लोग 1,20,000 तक जा सकते हैं। जैसे कि आपने सुना सर ने जो रेट बताया 70,000 से स्टार्टिंग होता है इसका रेट। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं यार, मार्केट में जितनी भी एक्टिवा होगी, जुपिटर होगी, टीवीएस के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस 1,00,000 से स्टार्ट ही होता है। और एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर आपको 70,000 से लेके 1,00,000 का भी ये चीज मिल जाती है तो बहुत ही बेस्ट मानूंगा मैं अपना, अगर रेफरेंस में बहुत ही बेस्ट मानूंगा। क्योंकि जुपिटर ने जो अपना निकाला है ना अभी नवा मॉडल, जुपिटर का टॉप मॉडल निकाला उन्होंने 1,40,000 का, इसलिए फ्रंट में एक हमें डिस्क दे दी है और उसमें हमें अलॉय व्हील सिस्टम दे दिया है, उसके करके इसका प्राइस लगा दिया 1,40,000। तो उसके मुकाबले यार हमें हाफ में पड़ गया, सही कह रहा हूं सर? यस सर, यस सर, हाफ में पड़ गया हमें। तो एक चीज और है उसमें, वो में पेट्रोल है और ये हमें बैटरी है सर। ये चार्ज कितने टाइम में होती है? ये सर 2 घंटे में चार्ज होता है। 2 घंटे में चार्ज से चलेगा कितना किलोमीटर? इसमें जो सर बैटरी हम यूज कर रहे हैं लिथियम आयन बैटरी यूज कर रहे हैं एलएफपी में। ओके, जो 2 घंटे 20 मिनट में चार्ज है और मिनिमम 50 मैक्सिमम 60 किलोमीटर जाता है। एक चार्जिंग लिए कितने पैसे कितना बिजली खा लेगी सर एक चार्जिंग? ये सर एक चार्ज के लिए आपका समथिंग 1 जूल खाएगा, यानी कि अगर 6 रुपए जूट है तो 6 रुपए में आपको 60 किलोमीटर चलेगा, यानी 6 पैसा पर किलोमीटर पड़ेगा। 6 रुपए में 60 किलोमीटर? 60 किलोमीटर सर। एक बार फिर से सोच लो। मैं सर 100% गारंटी का साथ दे सकता हूं। मैं ये नहीं, अपने चैनल पे भी ये चीज करता हूं ना सर, मैं जेन्युइन चीज ही करता हूं। मैं सर आपको बिल्कुल प्रॉपर टेस्टिंग है। ओके, ये एक चार्ज में 2 घंटे 20 मिनट चार्ज होता है, जो मीटर है 1 जूल खाएगा आपका। ओके, 6 रुपए के जूट में आप इसको 60 किलोमीटर चला सकते हो। ओके, जो पर पैसा किलोमीटर पड़ेगा आपको 6 पैसे में ये 1 किलोमीटर चलेगा। ओके, देख लो यार अब। और एक्टिवा की अगर बात करें तो 2 रुपए 40 पैसे में आपको 1 किलोमीटर पड़ेगा। बिल्कुल, अब इसके आगे मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, ठीक है? इसीलिए हमने सारा कुछ का बता दिया, ईएमआई बता दिया, आपको फीचर्स बता दिए, ठीक है? प्लस किससे कंपैरिजन कर सकते हैं इसका वो भी बता दिया मैंने। तो चलो, अगर आपने जाना ई रिक्शा व्हीकल्स में या फिर ई रिक्शा एक्टिवा वगैरह लेनी है आपने, तो लुधियाना में ऑल ओवर लुधियाना में सबसे बेस्ट शोरूम जो आपको मिलेगा बाबा ऑटोमोबाइल्स एंड डीसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जो है काफी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक साथ हम लोग वीडियो का करते हैं एंड और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो जाने से पहले प्लीज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जरा से भी अच्छी लगी हो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मैं छोटा सा प्यार दे दो लाइक करके। चलो ठीक है, बाय बाय।